देखिए अगर एक चीज़ समझ में आ जाए कोई भी एक चीज़ तो हर चीज़ें समझ में आ जाती है लेकिन ये चीज़ स्कूल विद्यालय कॉलेज की पढ़ाई में संभव नहीं है हम फिजिक्स समझ लें तो केमिस्ट्री आ जाएगी या केमिस्ट्री समझ लें तो जोग्राफी आ जाएगी क्रियायोग विज्ञान में ही ऐसा है अगर हम एक शब्द के बारे में भी सही जान गए तो सब चीज आ जाता है मेडिकल इंजीनियरिंग फिलोसफी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब आ जाता है इसे जो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं आज हम लोग रामचरित मानस की उस चौपाई को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान राम जो समुद्र के किनारे बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं लक्ष्मण बाण सरासन आनु ये इसका मतलब क्या है भगवान राम लक्ष्मण से कह रहे हैं लक्ष्मण अभी भी अपने साथ है और राम भी अपने साथ है ये कैसे समझ में नहीं आता है समझने का प्रयास न करिए नानक देव ने कहा है कितना भी समझिए समझ में नहीं आएगा कितना भी पढ़िए ज्ञान नहीं मिलेगा कितना भी सोचिए सोच नहीं पाएंगे कितना भी खाइए ताकत नहीं मिलेगी हमें ताकत कैसे मिलेगी हमारी सोच कैसे ठीक होगी ज्ञान कैसे मिलेगा उन्होंने बस एक लाइन कहा था कि सिर्फ परमात्मा के हुक्म को पकड़िए तो परमात्मा का हुक्म क्या है परमात्मा के हुक्म से ही दृश्य जगत प्रकट हो रहा है इस दृश्य जगत को कैसे पकड़ें पकड़ लिए हैं धरती पकड़ लिए हैं आसमान छू रहे हैं लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है पहले हम निकट के क्षेत्र को पकड़ना शुरू करें इसको कैसे पकड़ें हम अब हाथ से काम कैसे कर लेते हैं जब सिर और रीढ़ से शक्ति आती हाथों में तो हम सिर और रीढ़ को न पकड़ लें तो वही शरीर पर ध्यान कर रहे हैं जिसको सरासन कहा गया है और इसी के अंदर की शक्ति को बाण कहा गया है तो राम कहते हैं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण बान सरासर अनु सोखो बारे बारिद हम पूरे समुद्र को ही सोख ले किताब को लाइए भाई हम इसको पढ़ करके सोख लेते हैं इसके बाद थोड़ी कि इसको नष्ट कर दिए सोख लेने का मतलब अपने मिला लिए हम भाई पानी सोख लिए पानी पी लिए तो भारत इतना महान है यहाँ जो हिंदी भाषा है संस्कृत भाषा है इसके एक एक शब्द के ऐसे गहरे अर्थ हैं अगर अंग्रेजी में बता दिया जाए तो खुशी में नाचने लगेंगे वो तो हम जो समुद्र के साथ हम एक होना चाहते हैं बिना एक हुए समुद्र को समझ नहीं पाएंगे अभी जड़ लगता है जड़ है ये ये चैतन्य नहीं है चैतन्य होने की क्रिया बता रहे हैं कि सकोप का अभ्यास करिए श्वास में ध्यान करिए इतना ध्यान करिए कि कर्म करने के सामर्थ्य प्राप्त हो जाए कौन सा कर्म जो सुनाई नहीं पड़ता सुनने असभ्य सभ्य अदृश्य दृश्य अतीत वर्तमान भविष्य वर्तमान सब कुछ करने के सामर्थ्य हो जाए इसी को सकोप कहते हैं वो कैसे होगा सिर और रीढ़ में एकाग्रता एक बढ़ाने से इसके अंदर की शक्ति को जगाने से जब ऐसा होता है तब कोई चीज़ ये जड़ नहीं लगती है रामचरित मानस में ही लिखा है कि जड़ चैतन्य में भेद नहीं है एक बार तेलंगा स्वामी पंचगंगा घाट पर बैठे थे वाराणसी में उनकी उम्र दो सौ अस्सी वर्ष की थी सोलह सौ सात में पैदा हुए थे और अट्ठारह सौ सतासी में वो शरीर छोड़ दिए थे जब वहाँ पर बैठे थे तो एक उनका शिष्य था बार बार कहता था कि हमें काली का दर्शन करा दें काली का दर्शन करा दें माँ का दर्शन करा दिए तीन दिन तलंगा समय बैठे थे ध्यान में उनका सिर से, से फिर आ गया प्रभु मैं भगवती का दर्शन करना चाहता हूँ कहना अच्छा ठीक है बैठो तो बैठे थे तो ये पर एक काली की मूर्ति थी कहते हैं माँ आओ जरा इस भक्त को आशीर्वाद दे दो तो मूर्ति चलने लगी चलती ही आई और हाथ उठा करके आशीर्वाद दी फिर कहे मां हो गया अब जाके फिर आराम करो तो मूर्ति चली गई आराम कर लेकिन ये चीज जो सबको नहीं दिखाई और इसका व्यापक प्रदर्शन करते तो उनकी शक्ति चली जाती है जैसे रिमोट कंट्रोल से हम लोग कार चलाते हैं टेलीविजन चलाते हैं जब अपने अंदर के शरीर की शक्ति जग जाती है तो पत्थर भी चैतन्य दिखाई पड़ता है आपके इशारे पर वो काम करेगा आपके इशारे पर सूरज चांद सभी काम करेंगे नदी हवा पानी सब काम करेंगे तो अपने यहाँ तो ये शिक्षा थी ना कि हम कैसे भगवान कृष्ण की तरह क्या सूरज अस्त हो जाओ तो समय से पहले अस्त हो गए फिर कदम निकल आओ तो निकल आए ये शिक्षा अदृश्य हो गई वो शिक्षा फिर प्रकट हो रही है बड़े स्वभाग की बात है कि झूसी इसका केंद्र है और आप लोग इसको समझ रहे हैं तो याद रखिए ये चीज स्पष्ट हो गई होगी कि जो समुद्र है वो जड़ नहीं चैतन्य है फिर प्रकट हो जाता है वो आराम के सामने ऐसे आराम ने और दिखाया उनके नित्य शक्ति जागृत थी कि पेड़ों से बात करते थे कहीं सीता को देखे हो तो यहाँ के लोग समझते हैं कि बस बिलख रहे थे ऐसा नहीं है हम लोग समझ नहीं सकते हैं जराम पल भर में हर जगह जा सकते हैं क्या वो सीता को पता नहीं लगा सकते हैं तो क्या था वो वो ध्यान की क्रिया है और सीता कौन है सीता आज भी विद्यमान है हर चीज हर जगह होती है याद रखिएगा जैसे एक बीज में जड़ तना शाखाएं पत्तियां सब विद्यमान है उसे बीज से बीज में भविष्य छिपा है बीज को बोइए तो भविष्य दिखेगा पेड़ के रूप में उसी बीज में अतीत भी छिपा है उसी बीज कहाँ है अतीत के पेड़ से आया है अतीत तो का पेड़ उसी में ही है भविष्य का पेड़ भी उसी में ही है जैसे एक बीज में अतीत वर्तमान भविष्य तीनों है ऐसे आपके रूप में सब कुछ है तो सीता कहाँ है यहाँ देखिए सीता को गोरा रंग बनाया गया अब पता चला कि कोई व्यक्ति एकदम काले रंग का हो कहीं सीता कहें क्या मजाक करते हो तो गोरी थी या कोई लड़की हो काले रंग की कभी भी सीता है कभी मेल नहीं खाता वो गोरी थी तो गोरा और काला वो नहीं है जो हम कहते हैं गोरा रंग प्रकाश का प्रतीक है और प्रकाश से आंखें काम करती हैं आंख दृश्य जगत को देखती है तो दृश्य जगत की प्रतीक रचना को ही सीता कहते हैं और सीता राम जहाँ सीता वहीं राम राम है विष्णु की शक्ति विष्णु की शक्ति क्या करती है जिसको अहिंसा की शक्ति कहते कुछ चीज सुरक्षित रहे तो जो दृश्य रूप है हमारा दृश्य रूप है आपका या जो पृथ्वी ये पेड़ ये जीव ये सभी सीता के रूप है तो इसमें कैसे एकाग्रता बढ़ाएं तो भगवान राम ये भी सिखाते हैं पेड़ों में एकाग्र एक होकर के भी अपने में एकाग्रता बढ़ा सकते हैं बड़ी ऊंची क्रिया है वन वन में घूम रहे हैं पेड़ों से पूछ रहे हैं कि सीता का पता कैसे लगाएं, आत्मज्ञान कैसे पाएं हम हम अपने स्वरूप को कैसे जानें, इसमें एकाग्रता एक बढ़ा करके तो आसानी से जान सकते हैं लेकिन पेड़ों में एकाग्र एक होकर के स्वरूप दर्शन करिए कठिन काम है और तो राम इतने बड़े ध्यान थे को पेड़ों में एकाग्र होकर के सीता के अनुभव करने का विज्ञान सिखा रहे हैं इसीलिए तो राम जब अदृश्य होने लगे कि हमारा काम खत्म हो गया अब हमें ब्रह्मलोक में जाना है तो पूरे अयोध्या वासियों के साथ गए वो अकेले नहीं इतना बड़ा ध्यान तो शायद को ही कोई हुआ हो लेकिन शास्त्रों की गलत व्याख्या से आराम को हम समझ नहीं पाए ताज हम लोगों ने अभ्यास किया सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाने का सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाना और भी बहुत आवश्यक है क्योंकि जब आप महाभारत पढ़ेंगे तो सिर और रीढ़ में कृष्ण भगवान की शक्ति का ये जगह है यही राम की शक्ति भी है यही वशिष्ठ मन विश्वामित्र जो पैगंबर हो चुके हैं जैसे बाल्मीकि भी थे पैगंबर, वेद्याभ्यास भी थे कबीर और नानक भी थे ये की शक्ति यहीं पर छिपी है इसमें एकाग्र हो जाइए तो आप कबीर की तरह काम करेंगे नानक की तरह राम और कृष्ण की तरह लेकिन जब एकाग्रता एक सिर के पीछे बढ़ाइए तो अपने अंदर धर्मराज की शक्ति बढ़ती है उसी को हम धैर्य कहते हैं अनंत धैर्य युधिष्ठ कभी धैर्य नहीं खोए तो उसे धर्मराज क्यों कहा गया देखिए अपनी आंखों का धर्म है देखना जीवा का धर्म है स्वाद लेना कान का धर्म है सुनना हड्डी का धर्म है कड़ा रहना मांसपेशियों का धर्म है कुछ हड्डियों से जुड़े रहना आदि आदि तो जब हमारा ध्यान गले के पीछे रीढ़ में काग्र होता है तो धर्म की शक्ति बढ़ती है यानी हमारे अंग ठीक ठीक काम करते हैं अब देखिए जब मोटी तकिया कोई लगाता है या गले को झुका करके बैठता है या इस गले के बारे में पता नहीं है तो अनेक बीमारियां कहते नहीं भाई चालीस साल के बाद चश्मा लग जाता पढ़ने का क्यों लग जाता है क्योंकि इस वाले भाग के बारे में ज्ञान ही नहीं दिया गया अगर मेडिकल साइंस में ज्ञान है तो अधूरा ज्ञान है या देखिए सब डॉक्टर बैठे हैं कैनेडा के डॉक्टर है अमेरिका है, है, के डॉक्टर है कैनेडा के डॉक्टर है इंडिया के हैं यहाँ सब डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर सभी हैं और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ जीनियस लोग बैठे हैं जो नई उम्र के हमारे इनका नाम जीनियस रखे इनसे हैं इनसे आप बात करिए तो आप बहुत आश्चर्य में होंगे कि इनको कितना ज्ञान है तो याद रखिए सिर और इर में जब एकाग्रता बढ़ाते हैं तो पांच पांडों की शक्ति जागृत होती है जो बहुत आवश्यक है पृथ्वी पर रहने के लिए गले के पीछे धैर्य की शक्ति जैसे जैसे धैर्य बढ़ेगा हम श्रद्धावान होते हैं सीना के पीछे जो रीढ़ है जिसको हम थोरेसिक स्पाइन कहते हैं इसके अंदर की शक्ति जब जगती है तब के अंदर हनुमान की शक्ति होती है हनुमान की शक्ति क्या है आपको कण में राम सीता दिखाई पड़ेगी यही द्वापर में भीम के रूप में था पेट के पीछे जो रीढ़ है यहाँ की जो शक्ति जब ये जगती है तो इंद्र की शक्ति प्रकट होती है जो अर्जुन की शक्ति थी द्वापर में और जो कमर में रीढ़ है जब यह शक्ति जगती है तो नकुल और सहदेव की शक्ति प्रकट होती है जो देवताओं के वैद्य हैं अश्विनी कुमार देवता तो अगर हमारी रीढ़ की हड्डी ठीक रही इस भाग का तो समझ लीजिए कि आपकी इंद्रियां और मन थकेंगे नहीं इंद्रियों और मन के सामर्थ्य रीढ़ के अंदर इस शक्ति से होती है हम समत्व में बने रहें हमेशा काड़ा भी अच्छा ढीलापन भी अच्छा गर्मी भी वाह हुआ ठंडक भी वाह हुआ किसी ने गाली दिया तो वाह हुआ किसी ने प्रशंसा किया तो वाह हुआ दोनों चीज़ें बराबर अच्छी लगे हम अंदर से द्वेष न करें ये ज्ञान कैसे प्रकट होगा स्कूली पढ़ाई से नहीं होने वाला है जब पेट के पीछे रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाएंगे तब ज्ञान आता है हनुमान जी की पूजा हम रोज जाके करते लड्डू चढ़ाते हैं आज तक हमने नहीं सोचा कि एक लड्डू भी तो नहीं खाए हो और वहाँ का पुजारी बहुत बीमार है वही हनुमान जी जो लक्ष्मण के ठीक किए पुजारी क्यों नहीं ठीक हो रहा है अब समय आ गया सोचने का कि हनुमान जी की शक्ति अंदर जब तक जागृत नहीं करेंगे बाहर नहीं मिलने वाली है जैसे अंदर जब तक पानी नहीं होगा हम बाहर पानी पिएंगे तो पचेगा नहीं उल्टी हो जाएगी डिहाइड्रेशन में क्या होता है हम पानी पीते उल्टी हो जाती है डायरिया हो जाता है जब ड्रिप चलती है दो तीन बोतल पानी चढ़ गया फिर आप पानी पीजिए कुछ नहीं होता है तो सिर और में एकाग्रता को ही दंडी स्वामी की पूजा कहते हैं सिर और में ज्ञान की पांच गांठे हैं मूलाधार शाधुष्ठान मणिपुर सीना के पीछे अनहद ये विशुद्ध ये पांच इसकी जो पूजा करता है उसको दंडी स्वामी कहते हैं जब ज्ञान भूल गया तो हम लकड़ी लेके चलने लगे जो लकड़ी खुद नहीं चल सकती है उसकी हम पूजा करके क्या ज्ञान पाएंगे हम जैसे आध्यात्मिकता बच्चों का खेल हो गया कि गुड़िया नहा रही है गुड़िया सो रही है गुड़िया खा रही है अब गुड़िया स्कूल गई अब गुड़िया बड़ी हो गई अब इसका शादी हुआ अब विदा हो गई अब समय आ गया है कि आध्यात्मिकता अपने उस रूप में आई जो भारत में थी आइए इस दस मिनट के अभ्यास में तब बढ़िया करें सुनते जाइए फॉलो करते जाइए